वीडियो को देखने के बाद आपका भी मन करने लगता है ऐसे खूबसूरत शहर को देखकर पिकनिक के लिए जाने का। झारखंड राज्य का शासनिक मुख्यालय होने के साथ साथ साहिबगंज राज्य का एक महत्वपूर्ण जिला भी है। इतिहास में दर्ज है कि 17 मई 1983 को साहिबगंज राजमहल और पाखुर संथाल परगना जिले के उप प्रभागों के अलग होने के बाद बना था। मुगल साम्राज्य के बंगाल सूबे के शासन के अधीन भी रहा है। मनमोहक हरियाली के बीच बसे साहिबगंज जिले में मुख्य रूप से जनजातीय आबादी है। यहाँ की ज्यादातर जमीन उपजाऊ है और अच्छे से खेती भी होती है। यहाँ के स्थानीय निवासी बारिश के पानी की मदद से बरबट्टी और मक्का उगाते हैं। साहिबगंज के ज्यादातर लोग फहरियस और संथाल जाति के होते हैं। साहिबगंज के आसपास के पर्यटक स्थल। साहिबगंज में देखने के लिए खूबसूरत स्थल मौजूद हैं, जिनको देख कोई भी आगंतुक निराश नहीं लौटता। यहाँ कई तीर्थ स्थल हैं, जैसे कन्हैया स्थान, राजमहल, जामी मस्जिद, शिव मंदिर। इसके अलावा उद्धा झील, उद्धा पक्षी अभयारण्य जैसे कई नैसर्गिक सौंदर्य भरे पड़े हैं। साहिबगंज का भूगोल। अपनी भौगोलिक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए साहिबगंज दो प्रमुख डिवीजन में बंटा हुआ है। पहले क्षेत्र दामिन ईको के नाम से जाना जाता है, जो जंगलों, पहाड़ों और ढलानों के विशाल इलाके में फैला हुआ है। बोरियो, मंद्रो, बढ़ैत, पठन और तालझारी ब्लॉक शामिल है। दूसरा क्षेत्र ऊंची भूमि तरंगों जैसे मेड़ और गड्ढे से बना हुआ है, जिसमें कई ब्लॉक आते हैं, जैसे साहिबगंज, राजमहल, उद्धा और बरहवा। इसके अलावा गंगा, गुमानी और बंसलोई जैसे नदियाँ इस जिले से होकर गुजरती हैं। साहिबगंज अपने वन संसाधनों के लिए भी जाना जाता है, लेकिन पेड़ों की भरी कटाई के कारण यह क्षेत्र दिन ब दिन कम घना हो रहा है। ऐसे हालत में वन विभाग को आगे आकर इस जगह पर नवीनीकरण करने की जिम्मेदारी ले ली है। साल वृक्ष यहाँ सबसे ज्यादा पाया जाने वाला पेड़ होता है। कटहल, मुर्गा, शिमला, बांस, आसर और सतसल और सागौन जैसे पेड़ों की कई किस्में देखने को मिल सकती हैं। किसान यहाँ से साल, सिमल का लट्ठा और कटहल अन्य जिलों राज्यों को निर्यात करते हैं। इसके अलावा साहिबगंज में व्यापक तौर पे पशु भी उपलब्ध हैं। साहिबगंज गंगा नदी के बिस्तर पर मछलियों का श्रृंखला समूह और मछली के अंडे जैसे रोहू, कतला, मिर्गा, कैटफिश और बढ़ैत घाटी के हिलसा के तरणी के संग्रह की अनुमति देता है। साहिबगंज की संस्कृति। साहिबगंज के पास समृद्ध पारंपरिक विरासत भी है। संथाल्स और परिहस जो झारखंड के इस क्षेत्र में बसते हैं, उन्होंने अपने को कुटीर और ग्रामोद्योग जैसे तरस पालन, गांव, काले लोहार, बढ़ईगिरी, हथकरघा बुनाई, पत्थर के बर्तन बनाना और कई कामों में लगा रखा है। साहिबगंज लघु उद्योग अच्छे पैमाने पर मौजूद है। झारखंड के बाकी हिस्सों की तरह साहिबगंज का मौसम तीन भागों में बटा हुआ है। ग्रीष्मकाल और सूखा होता है, सर्दियां बहुत ठंड होती हैं, इसलिए अक्सर आगंतुकों को यहां गर्मी के दौरान आना चाहिए। साहिबगंज रोडवेज, रेलवे, एयरवेज द्वारा अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ है, इससे पर्यटकों के लिए शहर में आना बहुत आसान हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।